देखिए डिफरेंशिएशन के और भी यूजेस हैं, टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, ये फंक्शन कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा ये निकाला जा सकता है इससे, ठीक है। लेकिन अपन पूरा मैथमेटिक्स में अभी नहीं जाते हैं, जैसे जैसे मुझे जो जो पार्ट की जरूरत पड़ती जाएगी वो अपन डिटेल में देखते जाएंगे। तो अनदर पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन दैट वाज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन थोड़े समय बाद। अभी मैं वापस अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ, जो मेरा टॉपिक चल रहा था। अपन ने पढ़ा है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी पढ़ी अपन ने, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, और अपन ने पढ़ी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इज टू टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड द टूल required to find rate of change of any physical parameter with respect to other physical parameter is known as differentiation। हमने differentiation का एक basic idea ले लिया, जितना हमारे physics में जरूरत होती है। differentiation क्या चीज़ है, किसी भी parameter का किसी दूसरे parameter के साथ किस तरह से variation हो रहा है, किस rate से vary कर रहा है, ये बताने वाली चीज़ differentiation थी। इसको अपन detail में देख चुके हैं। डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन है मैक्सिमा, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, या मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए, लेकिन उसको अपन डिटेल में देखेंगे थोड़ा बाद में। मैं फिजिक्स पे लौटता हूं दोबारा। वेलोसिटी तक अपन ने देखा था, आपने देखा होगा स्पीड, और वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो कुछ नहीं है, सेम वेलोसिटी है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड इज वन एंड द सेम थिंग, बस ओनली डिफरेंस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में ओनली डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। से यदि आपने बोला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी शोन बाय, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी शोन बाय स्पीडोमीटर। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड विच इज शोन इन योर स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल। जो भी स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखती है जिस मोमेंट पर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बस अंतर यह होगा, यदि आप वेलोसिटी लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि 60 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट, और इसी को क्या बोला जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर आई, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा भी लिखा जा सकता है 30 आई प्लस 40 जे, ठीक है, किलोमीटर पर आर, मतलब 50 किलोमीटर पर आर स्पीड हो जाएगी, 30i प्लस 40j कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ वेक्टर आएगा या डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। अगर इसी जगह मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर दूं तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, 60 इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब मैंने आपको यही बोला, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम होता है। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, नहीं। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज टू टोटल टाइम टेकन इसका मतलब एवरेज स्पीड। मैंने बताया था ये वाला साइन किसको डिनोट करता है, एवरेज को। ये वाला साइन किसको डिनोट करता है, एवरेज को। तो इसका मतलब ये साइन लगाया मैंने, इसके बीच में स्पीड लिख दिया, तो इस चीज को बोला जाएगा एवरेज स्पीड, इसको बोला जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
upon total time. अच्छा, क्या magnitude of average speed is always equals to magnitude of average velocity? जैसे यहां पर अपन ने बोला कि भाई magnitude of instantaneous speed is equals to magnitude of instantaneous velocity, लेकिन यहां नहीं. देखिए वहां होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां क्या है टोटल डिस्टेंस. तो आपने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन पढ़ चुके हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनफैक्ट. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा बड़ा होता है या कभी कभी बराबर हो सकता है. कब बराबर हो सकता है कि अपन ने देखा है, कब बराबर हो सकता है व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो जिस समय डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा उसी समय एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी. लेकिन ज्यादातर केसेस में डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब अपन यहां से बोल सकते हैं क्योंकि टोटल टाइम तो सेम ही आ रहा है. तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. ये बड़ा हो, एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होगी या कभी कभी बराबर भी हो सकती है. इट मे बी इक्वल, लेकिन ओनली इट विल बी इक्वल ओनली एंड ओनली व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ये अपन पहले ही देख चुके हैं, इस पर अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे. ठीक है, तो यहां पर एवरेज स्पीड को अपन ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी से हमेशा बड़ी होती है. ठीक है, और अगेन एवरेज स्पीड इज ऑल्सो अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी. और एवरेज वेलोसिटी अपने पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होती है. ये हमारे लिए एवरेज स्पीड वगैरह हो गया. इसी के साथ साथ कुछ और टर्म भी हमने डिफाइन किया है. ठीक है ना, वो हम देखते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है उसको देखते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी कुछ और क्लासिफिकेशन अपन ने किए हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं. व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. The term is then the we can say that particle is moving with a uniform velocity. यदि मैंने बोला बराबर interval of time में बराबर यदि move कर रहा है, यदि मैंने बोला वो in a delta t a move करता है, तो अगले delta t में भी यदि a ही move करे, अगले delta t में भी यदि a ही move करे, इसका मतलब बराबर displacement हो in a same interval of time. तो इसका मतलब वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म हर जगह उसकी वेलोसिटी यदि सेम मेंटेन रहती है तो उस चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बस अंतर ये हो जाता है यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट की जगह इक्वल डिस्टेंस आ जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं है. तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आपके पास ये डिस्टेंस भी इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है. तो इसमें यदि पार्टिकल ऐसे चल रहा है कि हर डेल्टा टी में ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है और वो यूनिफॉर्म स्पीड भी है, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल यदि मैं सर्कुलर मोशन ले लूं एक क्वाड्रेंट ए से बी यदि वो आता है और ये डेल्टा टी में कवर करता है, अगला बी से सी भी वो डेल्टा टी में कवर करता है और सी से डी भी वो डेल्टा टी में ही कवर करता है एंड डी से ए भी डेल्टा टी में कवर करता है. अब यदि अपन देखें तो इसके डिस्टेंस जो है वो इक्वल है पाई बाय टू आर. अरे वन क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है
वो ही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ ऑफ द पैरामीटर सेम है. तो इसका मतलब अगर यहां से यदि देखा जाए तो पार्टिकल इज मूविंग इन अ इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है. डिस्प्लेसमेंट, आपने सर डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है, मिला नहीं. यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह का वेक्टर और यहां पर होगा ये. दीज टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट एंड दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अरे ये देखिए, ये यदि अपन देखेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. और ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसका मतलब इसका आई और जे दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है और इसका आई नेगेटिव है और जे पॉजिटिव है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम. तो इसका मतलब अगर यहां से देखें तो पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड बट इट्स वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म. लेकिन हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा. लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी. क्लियर है यहां तक? ठीक है. सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का. अगर अपन यहां देखें तो इक्वल की जगह डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है ना, इसका यह मतलब होता है अलग 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 जगह इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी. इसका मतलब हुआ है इसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये टेक्निकल है, वरना ऐसे भी चला सकते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक चीज होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इज रिलेटेड विथ पोजिशन. यदि कोई चीज पोजिशन के साथ जगह के साथ अलग अलग होती है तो अपन को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म यूज करना पड़ता है. ठीक है ना, थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलता है. लेकिन और कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, आपने एक और चीज पढ़ी होगी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट और वेरिएबल अपन टाइम के साथ यूज करते हैं. यदि अपने किसी भी समय पर वेलोसिटी यदि सेम रहती है तो अपन बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, और अलग अलग समय पर वेलोसिटी यदि अलग अलग होती है तो उसको अपन बोलेंगे वेरिएबल. तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम, एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन. थोड़ा सा टेक्निकल है, खैर ये चीज आप पढ़ेंगे तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर पोजिशन के साथ अगर अपन ये देख रहे हैं तो अपना वैल्यू सेम रहेगा. क्लियर है?